कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद अभी लोग उसके सदमे से उभरे भी नहीं थे कि तीसरी लहर को लेकर दावे किए जाने लगे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कलाई खोल दी थी। इस दौरान करीब 4 लाख लोगों की जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र को निर्देश दिए गए थे कि जिन लोगों की कोरोना के चलते जान गई है उनके लिए मुआवजा नीति बनाई जाए और इसे लेकर केंद्र से जवाब भी मांगा गया था, लेकिन केंद्र सरकार जवाब देने की जगह तारीखें मांग रही है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर सुनाया। देश में कोरोना की दूसरी लहर बीत चुकी है। केरल में जरूर कोरोना के रोज मिल रहे मामले चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन देश में अन्य जगह स्थिति अभी नियंत्रण में बनी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में भयावह हालात पैदा कर दिए हैं। अस्पताल में मरीजों की कतार और इलाज के नाम पर बेबसी, जिस कारण कई लोगों की जान चली गई। सरकारी आंकड़ा ही 4 लाख से अधिक का है, जबकि कई स्वतंत्र रिपोर्टों में यह आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा है। कोरोना के चलते जिन लोगों की जान गई उनके परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में भी कम से कम 4 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। 30 जून को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 4 लाख के मुआवजे को तो मंजूरी नहीं दी, लेकिन सरकार को आदेश दिया कि देश में कोरोना से गई हर जान के लिए मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने NDMA से कहा था कि वो 6 हफ्ते में मुआवजा की रकम तय करे और राज्यों को सूचित करे। कोर्ट ने माना था कि इस तरह की मुश्किल में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है, लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी ये फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दिया था। कोर्ट ने 3 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए थे। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MR शाह और अनिरुद्ध बोस की बेंच में सुनवाई हुई, लेकिन सरकार समय पर हलफनामा दाखिल नहीं कर पाई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय और मांग लिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि मामला भी सरकार के पास विचाराधीन है, इसलिए समय दिया जाना चाहिए। सरकार के रवैये से नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि आदेश आए हुए लंबा समय बीत चुका है, सरकार जब तक कुछ करेगी तब तक तीसरी लहर भी बीत चुकी होगी। कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले भी समय मांग चुकी है, वो 11 सितंबर तक जवाब दाखिल करे। DV लाइव की रिपोर्ट।